हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके लिए कुछ बेसिक्स फिजिक्स के वो यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उससे पहले आप सब लोगों के से एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग फिज़िक्स से डरेंगे नहीं, फिज़िक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? तो जितना आपका साथ मुझे मिलेगा उतनी ही शायद मैं ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर प्रिपेयर करके इजी वे के साथ आपको फिज़िक्स समझा पाऊँगी। तो आप एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो फिज़िक्स है वो तो हम सीख के ही आए हैं ऊपर से, क्योंकि फिज़िक्स सारी की सारी नेचर और नेचुरल फिनोमिना पे डिपेंड करती है, उसी की स्टडी है ये। तो हम सबको पहले से ही आती है, बस हमने थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है, ठीक है बेटा? तो फिज़िक्स से डर बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। फिज़िक्स जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, हम इसे हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ लीजिए, आप टेक्नोलॉजी की कोई भी एक एग्जांपल उठाइए, आपको पता चलेगा कि उसके पीछे जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है वो फिज़िक्स का प्रिंसिपल है। जैसे जैसे आप प्लस वन और प्लस टू की फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो मेरा दावा है अगर आप समझ के करोगे, रट के नहीं, तो आपको फिज़िक्स जो है वो अच्छी लगने लगेगी और आप इसको कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। हम लोग अब तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है फिज़िक्स को पढ़ना, ठीक है बेटा? तो आप मेरी कोशिश में मेरा साथ दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई परेशानी है फिज़िक्स को लेके, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो एक बार फिर से आप सबके साथ प्लस वन और प्लस टू की फिज़िक्स लेके आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।